गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आज फिर डिस्कस करेंगे 10 वर्ड मीनिंग्स, जिसमें हम लोग डेली सीखते हैं 10 वर्ड मीनिंग्स। एंड 10 वर्ड मीनिंग्स हो सिर्फ संडे को छोड़कर, कि ये हम लोग मंडे टू सैटरडे करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसा कि मैं डेली आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा दे देता हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली होती है, जिसमें आप लोग डिस्कस करते हैं और घर पे पता करते हैं, या फिर आपको पता होता तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो कुछ लोगों ने दिया है, हमारा जो वर्ड था पिछले वीडियोस का वो था यू। यू का मीन्स भेड़ होता है, जिसमें कुछ लोगों ने दिया है, जिसका मैं नाम यहाँ पर लूँगा और यहाँ पर आपको उनका कमेंट बॉक्स दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले किया था शैलजा तिवारी ने, जिसने बोला था कि सर यू का मतलब भेड़ होता है। मैं शैलजा तिवारी, गुड, यानी कि आपका सही है। और आपने कहाँ से पता किया है, ये आपने नहीं लिखा है, तो आप ये भी लिख दिया करिए अगली बार से कि मैंने सर मेरे को पता था, या मैंने डिक्शनरी की हेल्प ली है, या गूगल की हेल्प ली है, या फिर अपने नेबर, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, या रिलेटिव, या फ्रेंडशिप, कहीं भी आपने फ्रेंड से लिया है, ऐसा आप वहाँ पर लिख दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने कहाँ से पाया है। ठीक है, और देखिए कमेंट बॉक्स देने का ये भी मतलब होता है कि आपने कितने लोग सीरियस होकर वीडियो देखते हैं, और कितने लोग सीरियस होकर सीखना चाहते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के वर्ड वही कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि वही सीरियस होकर सुनेंगे तो उन्हें को पता होगा कि आज क्या पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट बात करें तो दूसरे नंबर पे तनुष्का ने दिया है, सर मैं तनुष्का, यू का मतलब भेड़ होता है। गुड, इनका भी सही है, जो कि भेड़ इन्होंने भी बताया है तनुष्का ने। और नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट इसमें आपका है अमर सिंह ने दिया है जवाब। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर यू का मतलब भेड़ होता है, मैं अमर सिंह हूँ। अच्छा, ठीक है, इन्होंने कहा अमर सिंह है जिसमें से भेड़ होता है, तो इनका भी सही है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी वेरी नाइस, मस्त है, सब अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई, यानी कि इतने लोगों ने सीरियस होके देखा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम समझते हैं सेकंड नंबर अपना। ठीक है, देख इसमें हमारा पहला है क्या है, दूसरा, यानी कि ईवी का, तो यू का मतलब तो आप जान गए भेड़ होता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा नंबर हमारा है फान, एफ ए यू एन, फान मतलब होता है हिरण का बच्चा। क्या होता है? हिरण का बच्चा। ठीक है, बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हिरण किस मीन्स होता है, डियर मतलब। ठीक है, डियर मीन्स मतलब हिरण होता है, और फान मतलब होता है हिरण का बच्चा, वो फन नहीं, नाग वाला नहीं, फान मतलब हिरण का बच्चा होता है। क्लियर है? यस। अगला बात करें हम थर्ड नंबर की, एफ ओ एक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी आप देखते हैं बहुत ही चालाक जानवर होती है, जो कि जंगलों में रहती है, बहुत ही चालाक, इसको माना गया है चालाक लोमड़ी। ठीक है, जैसे नहीं कोई लड़की हो या लड़का कहते हैं कि मतलब बहुत ही चालाक, उसको कहते हैं लोमड़ी जैसा, इसकी मतलब नेचर है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट नंबर, तो लोमड़ी आपको मिल जाएगी। चलिए भाई, फोर्थ नंबर है जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ मतलब होता है जिराफ। जिराफ यानी कि आपके दो कैटेगरी के होते हैं, दो तरह के जिराफ होते हैं। कौन कौन से मैं बात करूं तो दो होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी वाले क्या होते हैं, उनकी गर्दन जो होती है काफ़ी लंबी होती है, और जो मांसाहारी मतलब वो सर हर प्रकार के चीज़ें खाते हैं, तो उनकी गर्दन छोटी होती है, जो कि नीचे की ज़मीनें भी और काफ़ी ज़्यादा आसपास की चीज़ें भी खाते हैं। और जो लंबी गर्दन वाले होते हैं वो पेड़ों की पत्तियाँ ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनकी लंबी गर्दन होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चला जिराफ दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। ठीक है, बिल्कुल। अगली बात करें अगर हम जी ओ ए टी, गॉट मतलब होता है बकरी, बकरा नहीं होता, बकरी होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बकरी। अब जैसे इसका अगर हमको गॉट माने बकरी हो गया, तो हम अगर बकरा बनाए तो क्या हो जाएगा भाई? बकरा हमने काफ़ी बुकों में देखा है, ये चीज़ मैंने गेन किया है, तो उसमें दिया था कि सी गॉट ही गॉट लगाने से उसका स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग बन जाता है, यानी कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे ही गॉट कर सकते हैं, तो बकरा हो जाएगा, सी गॉट नहीं बकरी, या गॉट सिंपल कहेंगे तब भी बकरी हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए यहाँ से आपको और पता चला। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हेयर, ये वो वाला नहीं बाल वाला हेयर है, और ना यहाँ वाला हेयर है। ठीक है, हेयर या एच ए आर ई, हेयर यानी खरगोश होता है। क्या होता है? खरगोश। देखिए आपको ये अलग वर्ड भी मिला, ठीक है, जैसे रैबिट मतलब हमारा खरगोश होता है, वैसे ही हेयर मतलब भी खरगोश होता है। आपको दो दो वर्ड यहाँ पे मिल गए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है रैबिट एंड हेयर, ये दोनों खरगोश होते हैं। क्लियर है? यस। अगला हमारा सातवां नंबर बहुत ही बड़ा वर्ड है, जिसमें से हमारे लेटर कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत बड़ा 12 लेटर का एक वर्ड हमारा है
क्या दिया गया है भाई, हिप्पोपोटामस दिया गया है, HIPPO फिर TAMUS, हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा होता है। दरियाई घोड़ा आपने देखा होगा, घोड़ा कई प्रकार के, एक होता है चित्ता चित्ता होता है दरियाई घोड़ा, वो जेब्रा जो होता है हमारा, आप लोग क्या जानते हो जेब्रा, तो जेब्रा की जैसा ही हमारा दरियाई घोड़ा भी होता है, ठीक है बिल्कुल, या फिर जेब्रा को ही आप समझ सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, दरियाई घोड़ा, जेब्रा मतलब भी दरियाई घोड़ा ही उसमें आप देखेंगे, जेब्रा मीन जेब्रा भी लिखा रहता है, दरियाई घोड़ा भी लिखा रहता है, और ये भी आपको मिल गया, यानी दो दो वर्ड आपको दरियाई घोड़ा के भी मिल गए, ठीक है। चलिए 8th नंबर की बात करें तो हाउंड यानी आपका होता है शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता मतलब जब कोई शिकार पे जाता है, या फिर जैसे गेट पे वॉचमैन के लिए उसको पालते हैं, या फिर शिकारी कुत्ता यानी किसी ने अगर मर्डर किया है या कुछ भी किया है तो ये उसको यानी शिकारी का यानी कि आपका जो किया है उसका पता लगाने में भी ये पता लगा लेता है कहाँ पास हुआ है इसकी, ये बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, इनको पता चल जाता है कहाँ है कहाँ नहीं, इनकी पता नहीं स्मेल से जान जाते हैं या फिर इनकी सेंस पावर इतनी ज़्यादा है पता नहीं ये, लेकिन ये शिकारी कुत्ता बहुत ही डेंजर होते हैं, ठीक है बहुत खतरनाक भी होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगले, तो इसीलिए शिकारी कुत्ता, और जो शिकारी होता है उसको हंटर कहा जाता है, तो देखो हाउंड और हंटर देखो सिमिलर है, शिकारी कुत्ता और शिकारी हंटर, ठीक है बिल्कुल। चलिए हम 9th नंबर की बात करें तो हमारा दिया है हॉर्स, HORSE, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, क्या होता है घोड़ा, सिंपल घोड़ा जो हमारे आसपास भी दिख जाता है कभी कभी, या आपने देखा होगा रेसिंग में देखा होगा घोड़ा वगैरह को, ठीक है बिल्कुल। और हमारा है अगला हाइंड, HIND, हाइंड यानी हिरणी होता है, बताइए हिरण हमने पीछे दिया था डियर मतलब, और हिरणी आपका हो गया बताइए हाइंड मतलब, बताइए कितना अच्छा है, यहाँ पे हिरणी भी पता चला हिरण भी पता चला, और हमने यहाँ पे कई सारे को दो दो देखा हमने, तो यहाँ पे 10 नाम है, बाकी आपके 15 हो गए लगभग, 14 से 15, और एक हमारा ये है टुडे न्यू वर्ड यानी कि आप आज का ये आपके पहले समझ लीजिए वर्ड, या फिर आपका ये क्या है कि होमवर्क समझ लीजिए, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है फिलहाल, ठीक है। तो ये आपका KITTEN लिखा हुआ है, किट्टन, ठीक है किट्टन यानी क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे क्या होता है, जैसा कि मैं नाम लेता हूँ या कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दिखता है तो वैसे ही आपका लिया जाएगा, और आप सभी लोग सीरियस होकर देखें और इसको जरूर आंसर करें, ठीक है बिल्कुल। इससे क्या होता है कि आपको जो आप सर्च करते हो या फिर आप ढूंढ करके लाते हो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है, ठीक है बिल्कुल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम लोग अभी ये हमारा टॉपिक जो है ना अभी 2 से 3 दिन चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिमल हैं जिनको हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग सीखेंगे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है बिल्कुल। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, अगर हमारा पढ़ाना या कॉन्टेंट हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल मैसेज करके या लाइक करके या सब्सक्राइब करके या फिर दूसरों को शेयर करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद।